गाइस वेलकम बैक टू सफर इंडिया। मैं हूं कमल और आज इस वक्त मैं हूं गोवा में। गोवा इतनी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस क्यों है दोस्तों, वो तो दोस्तों आप यहां आकर ही जानेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। तो यहां दोस्तों आप किस तरह से घूम सकते हैं और यहां के जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस है सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज गोवा। गोवा पहुंचना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां देश की मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा है और कुछ आसपास के शहरों से डायरेक्ट बस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहां करमाली और मड़गांव मेन रेलवे स्टेशन है और डबलिम लाम का एयरपोर्ट है, जहां से आप 1000 से 1500 रुपए देकर आप टैक्सी के माध्यम से कलंगुट बीच या बागा बीच के पास पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कुछ बसेस की भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से सर्विस है। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से, जो कि डायरेक्ट गोवा तक सर्विस देती है, जिसका थर्ड एसी का चार्ज मुझे लगा था 2230 रुपए पर पर्सन। गोवा घूमने के लिए दोस्तों जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों वह है बाइक। तो मैंने यहाँ दोस्तों गोवा घूमने के लिए बाइक हायर किया है दोस्तों, वह है एक्टिवा। आप दूसरा बाइक भी हायर कर सकते हैं, इसका चार्जेस एक्चुअली 300 है। जो गाड़ी लेते टाइम उसकी वीडियो बना लो ताकि रिटर्न के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो जी। और इसका जो चार्जेस है लगभग 300 है और अलग अलग सीजन में आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ का चार्जेस हो सकता है, अगर आप सीजन में आए तो शायद हो सकता है इसका चार्जेस 450 के आसपास भी हो, तो इन सब चीज़ का भी ध्यान रखें आप। तो चलिए आपको पूरा गोवा घुमाते हैं। तो हर बाइक में आपको हेलमेट मिल जाएगा, हेलमेट का यूज और अपने साथ लाइसेंस जरूर रखें, नहीं तो आपको 1000 तक फाइन देना पड़ सकता है। गोवा एक्चुअली दो जोन में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा बहुत ही हैपनिंग प्लेस है जहां आपको बहुत सारा क्राउड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्राउड प्लेस और पार्टी पसंद है तो आप नॉर्थ गोवा को विज़िट करें और साउथ गोवा तब विज़िट करें जब आपको पीसफुल बीचेस पसंद हैं। अगर आपको दोनों ही पसंद है तो पूरा गोवा आपका है। मोस्टली इंडियंस नॉर्थ गोवा ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल, लद्दाख से आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा थीविम। लेकिन अगर आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना से आ रहे होंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मडगांव स्टेशन। गोवा की ट्रिप के लिए आप 4 days and 3 nights का प्लान करें। पहले दिन की शुरुआत की हमने गोवा की मोस्ट पॉपुलर कलंगुट बीच से। का पार्किंग चार्जेस है दोस्तों 30 rupees। तो चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। यह गोवा का ऐसा बीच है जहां आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा क्योंकि यहां सारे इंडियंस एंड फॉरेनर मोस्टली यहीं आते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग कलंगुट बीच पहुंच चुके हैं और यहां का माहौल देख सकते हैं चारों तरफ का। ये जो भैया हैं हमें सभी प्रकार की एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटीज़ करवाने वाले हैं और जिसका पर हेड चार्जेस मतलब पूरा कंप्लीट क्या चार्जेस कराने वाले हैं 1500 रुपये का पैकेज। 1500 रुपये में भैया पैकेज दे रहे हैं जिसमें आपका क्या क्या है भैया? बनाना है, बम्पर राइड है, बाइक है, बोटिंग है, पैरासीलिंग है। सर पैरासीलिंग मतलब 1500 रुपये में पाँच। अगर आपको यहाँ के ओशियंस का आनंद लेना हो, स्पेशली यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ अलग अलग तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, बम्पर राइड आदि आप यहाँ कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के चार्जेस का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोवा के बीचेस के पास आपको ढेरों सारे वाइन शॉप्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बीचेस के नज़दीक लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ सकता है। दूसरे दिन की शुरुआत की हमने गोवा का हार्ट कहे जाने वाले गोवा के बागा बीच से। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गोवा के बीचेस का सनसेट मिस ना करें। गोवा के बागा बीचेस में नाइट पार्टी का एक अलग ही अंदाज है, जहाँ आपको काफ़ी सारे लाइन से रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ डांसिंग फ्री होता है, केवल आपको खाने पीने के चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत की हमने गोवा की मोस्ट पॉपुलर अगुआड़ा फोर्ट से, जो कि पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह किला अगुआड़ा के बीच में स्थित है। यह किला गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ काफ़ी सारे फिल्म शूटिंग यहाँ किए गए हैं। टिकट चार्जेस है 50 rupees एंड टिकट चार्जेस आई थिंक 25 के आसपास है, देख लेते हैं। यहाँ का टिकट चार्जेस है 25 rupees पर हेड। पार्किंग के नाम है भाई यहाँ लूट मचा रखी है, मतलब यहाँ का जो एंट्री चार्जेस है वो 25 rupees और जो पार्किंग चार्जेस है वो 50 rupees। आई थिंक बाइक का पार्किंग चार्जेस इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए,
बताया जाता है यह किला पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किला है जो कि सिंकोरियम बीच के पास स्थित है। इस किले का निर्माण पुर्तगाली शब्द अगुआड़ा से किया गया है और यह स्थान नागरिकों के लिए ताजे पानी का स्रोत है। यहाँ से दोस्तों आप गोवा के ओशियन का चारों तरफ का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। जबरदस्त यार, क्या व्यू है। अगर आपको पीसफुल प्लेस पसंद है तो आप गोवा के पंजिम में स्थित मीरामार बीच आ सकते हैं। यहाँ आपको बागा एवं कलंगुट बीच की तरह क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ का एंट्रेंस गेट बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है और यहाँ आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जिन्हें पीसफुल प्लेस पर चाहिए उनके लिए बेस्ट है क्योंकि ये बीचेस आपको पंजी सिटी के पास ही मिल जाएगा। गोवा के मीरामार बीच में दोस्तों अगर कोलंबुट बीच और बागा बीच के कंपैरिजन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ जो है क्राउड कम होता है। जिन्हें शांत इलाका पसंद हो दोस्तों तो उनके लिए बेस्ट है मीरा। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है लेकिन आप यहाँ डॉल्फिन टूर जरूर कर सकते हैं जिसका चार्जेस है 300 पर पर्सन। उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गोवा की मोस्ट पॉपुलर फोटोग्राफिक प्लेस फोंटेनेंस जो कि गोवा के पंजिम में स्थित है। आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम रील्स में यहाँ का बैकग्राउंड जरूर देखा होगा। जब आप गोवा की बात हो तो यहाँ आपको लाइन से खूबसूरत पेंट हुए घर देखने को मिलेंगे और यहाँ की सबसे खास बात यह एरिया हर साल मानसून के बाद पेंट किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ जब भी जाएं अर्ली मॉर्निंग जाएं क्योंकि शाम को यहाँ बहुत ही रश होता है। हो सकता है आपको फोटोग्राफी के लिए कंफर्टेबल ना हो इसलिए बेटर होगा आप अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ जो बहुत सारे कलरफुल घर बने हुए हैं वह किसी के घर हैं तो उन्हें किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आप शांति से वहाँ फोटोग्राफी करें तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन से ही दूध सागर वाटरफॉल का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल सकता है। यह वाटरफॉल मानसून के बाद के टॉप 10 वाटरफॉल में से एक है। जब हम गए थे तब ऑफ सीजन था इसलिए पानी नहीं था लेकिन बरसात के बाद का यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप बरसात के बाद गोवा आ रहे हैं तो इस वाटरफॉल के खूबसूरत व्यू को देखना ना भूलें। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो यहाँ के कैसिनो में ज़रूर जाएं। यहाँ के कैसिनो पूरे देश विदेश में पॉपुलर हैं। यहाँ का एंट्री चार्जेस 1500 से लगभग 2000 के आसपास होता है जहाँ आपको अनलिमिटेड फूड बफेट गेम लाइव डांस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हमने अपने जर्नी का रूट लिया गोवा के पंजिम में स्थित गोवा का क्राउन कहे जाने वाले गोवा की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस चर्च द अवर लेडी ऑफ एमकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च की ओर। गोवा की फेमस चर्च जहाँ दोस्तों काफ़ी सारे फिल्म की शूटिंग हुई थी जहाँ सारे लोग दोस्तों यहाँ फोटो सेल्फी ले रहे हैं। और ये है दोस्तों यहाँ का फेमस चर्च और सिम्बा ही नहीं काफ़ी सारे फिल्म शूटिंग यहाँ हो चुके हैं। इस चर्च के सामने आपने काफ़ी सारे फिल्मों की शूटिंग देखी होगी। इस चर्च का आगे वाला सफ़ेद हिस्सा पुर्तगाली शब्द बरोक और गोवन वास्तुकला की शैलियों को प्रदर्शित करता है। इसमें दो मीनारे और एक लंबा घंटाघर स्थित है जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। इसलिए इसे पंजी का मुकुट भी कहा जाता है। चर्च को घूमने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक, दोपहर 3:30 बजे से 7:30 बजे तक। उसके बाद हमने अपना रूट लिया गोवा के फेमस छपोरा फोर्ट की ओर जो कि दिल चाहता है कि शूटिंग के बाद काफ़ी फेमस प्लेस हो गई है जहां दोस्त यार चेल मारते हैं। यहां का कोई एंट्री चार्जेस नहीं होता है बट इस फोर्ट के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहां से भी आप गोवा के ओशियन का चारों तरफ का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। गोवा की टूर प्लान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए, गोवा जाने का जो बेस्ट सीज़न है वो है दिसंबर जनवरी, लेकिन ये सीज़न आपके जेब पर थोड़े भारी पड़ सकते हैं क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आपको क्राउड देखने को मिलेगा। अगर आपको कम बजट में गोवा घूमना है तो आपके लिए बेस्ट मंथ होगा अगस्त सितंबर और मार्च अप्रैल। नॉर्थ गोवा विजिट करना हो तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप बागा या कलंगुट बीच के पास होटल लें क्योंकि आप नॉर्थ गोवा के सारे बीचेस यहां से कवर कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने नोटिस की है, बरसात में यहाँ जाना अवॉइड करें क्योंकि बीचेस में परमिशन हमेशा अलाउ नहीं होता। और दूसरी बात, कहीं भी गाड़ी खड़ा करने से बचें नहीं तो आपको चालान हो सकता है। और इन सभी वीडियोस की और अधिक जानकारी के लिए हमारे गोवा टूरिस्ट प्लेसेस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं।
तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। आशा करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक ले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। कलंगुट बीच में दोस्तों बहुत सारे आपको बीच स्नैक्स मिल जाएंगे, और इस तरफ है दोस्तों आपका रिजोरियो फैमिली रन रेस्टोरेंट, जहां दोस्तों आपको नॉन वेज वेज सभी प्रकार के ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ यहां अवेलेबल है। रिजोरियो फैमिली रन रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है अंदर दोस्तों।